ओके हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं WWE और AEW से जुड़ी कुछ बहुत बड़ी और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में, जहां हम लोग बात करेंगे कि ऑल इलीट रेसलिंग ने बैन कर दिया जॉन मॉक्सली को, सोशल मीडिया के एक वॉर के बारे में जो कि छिड़ी है यहां पर, जिसकी शुरुआत करी है पॉल हेमन ने, किसके साथ, रणवीर सिंह के साथ, और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या एक मैसेज और वार्निंग आई है द बिग डॉग रोमन रेंस के पास। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, इसे लास्ट तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं पॉल हेमन एंड रणवीर सिंह से। अब देखो कितना अजीब लग रहा है दोनों के नाम को एक साथ लेने में, क्योंकि एक अलग फील्ड से, दूसरा बंदा अलग फील्ड से, अभी भले आपस में आकर मिले कैसे। तो इसकी शुरुआत होती है तब जब रणवीर सिंह, आप लोगों को पता ही होगा अगर आप लोगों ने इंडिया पाकिस्तान का मैच देखा था, तो वहां पर हमें रणवीर सिंह भी बहुत जगह देखने को मिल रहे थे, स्टार स्पोर्ट्स के साथ वो थे, उनकी पूरी टीम के साथ। तो यहां पर उन्होंने ट्विटर के ऊपर एक ट्वीट किया जहां उन्होंने लिखा ईट स्लीप डोमिनेट रिपीट द नेम इज हार्दिक पांड्या, और उन्होंने यहां पर उन्होंने टैग भी किया, और फोटोज भी आप लोग यहां पर देख सकते हैं जो हार्दिक पांड्या के साथ हमें रणवीर सिंह देखने को मिल रहे हैं। अब आप लोग जानते हैं यहां पर ईट स्लीप कॉन्कर रिपीट, ये बात बहुत ही ज्यादा फेमस कर दी थी पॉल हेमन ने। तो इसी चीज को लेकर उन्होंने उन्हें रिप्लाई किया और एक ट्वीट किया और लिखा आर यू एफ किडिंग मी, पहला इट्स ईट स्लीप कॉन्कर रिपीट। उसके बाद उन्होंने यहां पर बताया कि ये उनकी कॉपीराइट उनका माल है, योर हंबल एडवोकेट, और यहां पर वो ब्रॉक लेसनर को भी मेंशन कर रहे हैं। इसके अलावा यहां पर उन्होंने ये भी लिखा कि आई एम लिटिजियस, मतलब कि यहां पर वो पंगे लेने की बात भी कर रहे हैं, और फाइनली वो लिखते हैं ईट स्लीप डिपोजिशन रिपीट। तो इस तरह से यहां पर उन्होंने रणवीर सिंह के साथ भी उलझने लगे कि भैया ये मेरी लाइन है, तुम ऐसे कैसे यूज कर रहे हो। और आपको याद होगा पिछले कुछ टाइम में भी ऐसा कई बार हो चुका है कि जब भी कोई ऐसी लाइन लिखता है जो कोई फेमस होता है तो पॉल हेमन उससे लड़ भिड़ जाते हैं। अब वैसे देखा भी जाए तो पॉल हेमन ने इस चीज को काफी ज्यादा जो है पॉपुलर कर दिया था, और कह सकते हैं ये उनका ही माल है, लेकिन ये चीज अब हर जगह यूज हो रही है और लग रहा है इससे पॉल हेमन को शायद काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं जो कि जुड़ी एक मैसेज से, और ये दिया ड्रू मैकइंटायर ने एक फाइनल मैसेज उनके स्टॉम्पिंग राउंड्स के मैच से पहले जो कि वो रोमन रेंज के साथ लड़ने वाले हैं। तो यहां पर ड्रू मैकइंटायर ने ये कहा कि देखो कैसे मेज मेरे सामने आते हैं, फालतू में उन्होंने पंगे लिए, और अब देखो उनका क्या हाल है। और रोमन रेंज भी इस बात को जानते हैं कि मेरे साथ मैच लड़ना किसी आम बंदे के साथ मैच लड़ने जैसा नहीं है, क्योंकि जो मेरी जर्नी है, जो मेरी पूरी राइड है 19 सालों से, उन्होंने कहा वो रोलर कोस्टर की तरह चल रही है, और फाइनली अब जाकर रोमन रेंज को स्टॉम्पिंग ग्राउंड्स के अंदर जाकर पता चलेगा कि मेरे साथ लड़ना कैसा होता है। तो यहां पर काफी ज्यादा पॉजिटिव हमें देखने को मिल रहे हैं ड्रू मैकइंटायर, वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट भी है कि स्टॉम्पिंग ग्राउंड्स में उनकी जो परफॉर्मेंस है वो रोमन रेंज से बेहतर होगी, लेकिन ये तो हमें पेपर व्यू के अंदर ही जाकर पता चलेगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है, क्या रोमन रेंज को मिलता है अपर हैंड या फिर ड्रू मैकइंटायर अपनी बातों को प्रूव कर पाते हैं। कमेंट करके आप लोग मुझे बताना कि आपको क्या लगता है स्टॉम्पिंग ग्राउंड्स के अंदर हमें कौन सा सुपरस्टार भारी पड़ता हुआ दिखाई देगा। अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट के ऊपर जो कि जुड़ी है जॉन मॉक्सली से। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था वेबसाइट के थ्रू, अगर आप लोगों ने हमारी वेबसाइट को विजिट किया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि मैंने आपको बताया था कि जो पहली नाइट होने वाली है जीवन टूर्नामेंट की, जीवन क्लाइमैक्स टूर्नामेंट की, वहां पर जॉन मॉक्सली फीचर नहीं होने वाले, और उसके पीछे के जो रीजन है वो भी सामने आ चुके हैं, और वो ये कि AEW के पास जो है एक्सक्लूसिव राइट्स हैं जॉन मॉक्सली के लिए, कि अगर वो US में फाइट करते हैं तो वो ऐसे बड़े इवेंट का हिस्सा नहीं बन सकते। मतलब कि यहां पर कुल मिलाकर बात ये है कि AEW जो है वो जॉन मॉक्सली को अलाउ नहीं कर रही इस तरह के बड़े इवेंट्स के लिए US की अगर हम बात करें। अगर US के बाहर कोई इवेंट है जैसे कि जो जीवन के मैचेस है वो अदर जो हमें देखने को मिलेंगे वो होंगे जापान के अंदर, तो वहां पर AEW को कोई इशू नहीं है, लेकिन जो पहली नाइट होगी वो डैलस के अंदर होगी, तो इससे यहां पर AEW को इशू है। और यही रीजन है कि जॉन मॉक्सली ना तो जीवन टूर्नामेंट की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वहां पर मौजूद होंगे, और पहली नाइट पर भी उनका वहां पर कोई मैच भी नहीं है, और वैसे भी वहां पर ए ब्लॉक के मैचेस हैं, बी ब्लॉक का जॉन मॉक्सली का वहां पर कोई भी मैच नहीं है। तो इस तरीके से यहां पर AEW को थोड़ी सी प्रॉब्लम है जॉन मॉक्सली के साथ कि अगर वो उनके अलावा तो किसी दूसरे प्रमोशन में काम करते हैं, वो भी इतने बड़े इवेंट में, वो भी US के अंदर, तो फिर ऐसे में यहां पर AEW को दिक्कतें हैं। लेकिन क्योंकि आप लोग जानते हैं जो रिलेशन है AEW और NJPW के काफी ज्यादा क्लोज है, तो फ्यूचर में जाकर हो सकता है ये वाली चीज भी क्लियर हो जाए। अभी यहां पर जैसा जॉन मॉक्सली के साथ है वैसा ही है कैनी ओमेगा और क्रिस जेरिको के साथ भी, उनकी भी जो डील है वो ऐसे ही है कि उनको भी अलाउ नहीं किया जाएगा AEW की तरफ से कि वो इस तरह के बड़े इवेंट में जो कि US के अंदर होंगे वहां पर पार्टिसिपेट कर पाए। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक के बिना तो कहीं मत जाना, कमेंट करके आप लोग मुझे अपने थॉट्स बताना स्टॉम्पिंग ग्राउंड्स के रोमन रेंस वर्सेस ड्रू मैकइंटायर के मैच को लेकर, और रणवीर सिंह एंड पॉल हेमन के बारे में आप लोग क्या कहेंगे। साथ ही साथ आप लोग कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से WWE और प्रो रेसलिंग से जुड़ी सारी बातें जानने को मिलती रहे। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।